बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक शख्स उत्तर बिहार के अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर के हक की मांग को लेकर पदयात्रा पर है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पैदल ही दिल्ली को कूच कर रहे हैं। दिल्ली में पहुंचकर पीएम मोदी से मिलने की बात भी कही गई है। करीब 1.5 माह के पैदल ही पहुंचकर मुजफ्फरपुर को कई मांगों को पीएम के समक्ष रखने की मांग चाहता है। मुजफ्फरपुर जिले के पताही गांव के मंदिर से पूजन पाठ करने के बाद मौके पर स्थानीय लोगों के हौसला अफजाई के साथ ही कुंदन सिंह का नाम एक जिला पार्षद ने अपने 5 लोगों के साथ पैदल ही पीएम मोदी से अपनी मांग को लेकर पदयात्रा शुरू की। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के धरसे से पीएम मोदी ने 2 बार यहां को एयरपोर्ट को मुजफ्फरपुर के लोगों को सौगात देने की घोषणा की और जल्द ही मिलने की बात कही, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद से यहां के लोगों में निराशा है। उपेक्षित महसूस कर रहे लोग अब खुद ही पैदल यात्रा पर निकल आए हैं और पैदल सफ़र कर पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जगा चुके हैं, जिसको लेकर ये सफ़र करीब 1100 किलोमीटर का शुरू हो गया है और अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। इस मौके पर एमएलसी दिनेश सिंह ने पूरा स्वागत किया और जमकर सहयोग और प्रेरणा और हौसला अफजाई की बात कही। बता दें, जिले के एयरपोर्ट की मांग को लेकर ये पूरा पैदल मार्च किया जा रहा है, जिसके बाद इंटरनेट पर ये शख्स पूरी तरह से छा गया है। पांच सूत्री मांग को लेकर के हम दिल्ली पदयात्रा पे जा रहे हैं। इसमें हमारा मुजफ्फरपुर के लिए सबसे प्रमुख मांग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर की जनता से वादा किया था कि पताही में एयरपोर्ट का पुनः निर्माण कराएंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। तो सबसे मुख्य मांग है मुजफ्फरपुर के लिए कि पताही हवाई अड्डे को चालू कराया जाए। दूसरा मांग है कि यहाँ पे जितने भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, घुसखोरी करते हैं, हर तरह का बुराइयां का काम कर रहे हैं, मैं मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, आवेदन पत्र के माध्यम से भी, अगर बार बार कोई भी कर्मचारी कर्तव्यहीनता को करता है, अपना काम भूलता है, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके कारण देश के आय में नुकसान होता है। तीसरा मांग है मेरा कि युवाओं के लिए हर विद्यालय और महाविद्यालय, चाहे जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, उसमें मोटिवेटर का व्यवस्था किया जाए, ताकि आने वाला जो हमारा युवा पीढ़ी हो, घुसखोर, कदाचारी और अपने व्यवहार कुशल हो और अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से करना चाहे। चौथा हमारा मांग है कि अभी हमारा सनातन संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रहा है और उसी का देखा देखी कर रहा है, जबकि हमारे सभ्यता संस्कृति का अनुसरण पूरा विश्व करता है। आज समलैंगिक जो रिलेशन है और लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कुठाराघात है। उसको वैसे जो भी रिलेशन बनाते हैं उन पर कड़ा से कड़ा कानून बने और उनको सजा मिले। उस तरह के जो भी रिलेशन है उनको प्रतिबंधित किया जाए। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण विषय है कि समाज में कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक कारण से समाज को जातिवाद में विभक्त करके देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए कड़ा कानून बने। जय श्री राम, जय श्री राम। बताया जाए आज इस पद यात्रा को लेकर क्या? उज्जैन जी हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, कहीं ना कहीं हम पद यात्रा पर जा रहे हैं, उनका कुछ मांगे हैं और उन्हीं का उत्साह वर्धन करने के लिए उन्होंने बुलाया। आप जरा शुभारंभ करवा दीजिए, उन्हीं का शुभारंभ करवाने आए हैं। दिल्ली पहुंचेंगे, हम लोग भी उस समय दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे। इनका क्या क्या मांग है? बताया जाए किन किन मांगों को लेकर ये पद यात्रा पर निकल रहे हैं। पहला इनका है कि पताही हवाई अड्डा, बहुत पहले जिस समय कहीं हवाई अड्डा था भी नहीं, दरभंगा नहीं था, पटना था, तो पताही में चालू था और सब जगह खुल रहा है या पताही पड़ा हुआ है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोग भी पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। आए दिन आप बयान उन लोगों का अखबार में देखते हुएगा, कई लोगों ने मंत्री महोदय से वहाँ मुलाकात भी किया है, लेकिन इनका पहला मांग है उसमें हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। सबों के लिए ज़रूरी है, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए ज़रूरी है। कहने के लिए लोग बराबर कहते हैं कि अघोषित राजधानी है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर है, गया से एयरपोर्ट है, दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में आज तक एयरपोर्ट नहीं हुआ। इसलिए इनके मांग का हम भरपूर ढंग से, मुस्तैदी से समर्थन करते हैं। दूसरा मांग है इनका, जातिवाद जो व्यवस्था है,
जातिवाद के नाम पर लोग जो राजनीति करते हैं उसके खिलाफ, जातिवाद की राजनीति और व्यवस्था समाज में नहीं होने चाहिए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। और हरीश सिंह युवाओं के लिए मोटिवेटर, हाँ यही मांग है, इनके मांग का भी हम समर्थन करते हैं। और जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो हम लोग भी दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग अस्वस्थ हैं और नहीं तो पहले अगर ये कार्यक्रम होता हम लोगों का भी उम्र